हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इंट पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो यूपी स्कॉलरशिप का करेक्शन था उसका जो पोर्टल है वो अब बंद कर दिया गया है। अब क्या मतलब, कल शाम को ही बंद कर दिया गया है, जिससे छात्रों में जो है भीषण गुस्सा भी हो गई है कि भैया ये क्या किया आपने। एक तो आपकी साइट भी जो है बहुत लेट से चली, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख से, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे थे जिनका 18 को ही पोर्टल ओपन हो गया, कुछ का था जिनका 20-21 में जो है ओपन हुआ, कुछ का था जो कल ही ओपन हुआ था और कल ही जो है साइट बंद कर दी गई, और बहुत से छात्र ऐसे थे जिनका ओपन ही नहीं हुआ फिर भी जो है उनके जो है पोर्टल को बंद कर दिया गया। ऐसे में जो छात्र हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं। बहुत से छात्र ऐसे भी थे जिनका रिजल्ट कल ही आया था, जैसा कि आपको पता है रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कल आया, वो छात्र करेक्शन ही नहीं करवा पाए। बहुत ज्यादा उनके मैसेज भी आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आक्रोशित भी हैं कि भाई ये सारी चीजें क्या, सिर्फ आप लोग करेक्शन देते हो, उसका पोर्टल ऑन नहीं होता है और बच्चे जो है अपना करेक्शन कर नहीं पाते हैं। तो फिर इसके लिए मैं सभी छात्रों को बता दूं कि अभी जो है आप लोग परेशान ना होइए। वैसे कोशिश ये है कि हो सकता है इसके लिए कोई जो है अलग से इसका कुछ परिणाम आ जाए, कि हो सकता है फिर से पोर्टल को ओपन कर दिया जाए, क्योंकि अपने अपने स्तर से छात्र जो है वो ज्ञापन वगैरह देना शुरू कर दिए हैं कि भाई पोर्टल को फिर से ओपन किया जाए। और एक तो सबसे बड़ी कमजोरी अब की बार ये भी रही, कमी भी रही इसकी, कि अब की बार स्टेटस भी नहीं दिया गया, और स्टेटस नहीं दिया गया तो छात्रों को ये भी नहीं पता लगा कि आखिर में हमारे में करेक्शन करना क्या है। ऐसे में छात्र जो है काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि अभी आप लोग वेट कर लीजिए, 1-2 दिन में हो सकता है कुछ रिस्पॉन्स आ जाए, क्या डेट खुलेगी या नहीं खुलेगी या क्या सारी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम आपको आगे चलकर जरूर बताएंगे, ठीक। चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की बेस्ट बुक के बारे में। श्री विनोद पुस्तक मंदिर जो है ये बुक की नाम है, और इसमें 3 जो कंपलसरी बुक हैं, गुरुशरण दास द्याकी जी की, आप देख सकते हो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, ये जो बुक है ये काफी बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया गया है, और गुरुशरण दास त्यागी जी की जो बुक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो तो ये बुक जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हालांकि ये जो बुक के बारे में बता रहे हैं राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर की बुक है, तो अगर आप राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हो तो आप इस बुक को ले सकते हो, क्योंकि इस बुक में बहुत सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल ही बेहतरीन ढंग से लिखी गई हैं। साथ ही साथ एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं तो उसके लिए क्वेश्चंस भी आपको पीछे दिए गए हैं, तो आपको ये बुक जो है आपकी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकती है, तो आप लोग इस बुक को ले सकते हो। साथ ही साथ इसकी 2 बुक और आती है जिसके बारे में जो यहां पर स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हो, तो इसकी टोटल 3 कंपलसरी बुक होती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ आप मार्केट से भी इसको परचेज कर सकते हो, दुकान पर भी मिल जाएगा। श्री विनोद पुस्तक मंदिर ये बुक का नाम है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वहीं पर हम बात करते हैं 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आज मांग को लेकर आज आप सबको पता है लखनऊ में आज छात्र जो इकट्ठा हुए, और भारी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए, क्योंकि उन लोगों की मांग थी कि भैया अगर अगर अभी भी अगर वैकेंसी आप नहीं लाओगे तो चुनाव आने वाला है, और चुनाव के बाद वैकेंसी नहीं आने वाली है, यह बात सभी को पता है, आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि अगर वैकेंसी देनी होती तो अभी तक ये दे सकते थे। छात्र जो है 3-4 साल से बीटीसी बीएड करके टेट सीटेट पास किए हुए और बैठे हुए हैं वैकेंसी के इंतजार में, कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, टेट जो है खींच कर ले गए हैं 25 फरवरी तक, यानी 23 को पेपर होगा, 25 फरवरी को रिजल्ट आएगा। ऐसे में जब तक रिजल्ट वगैरह आएगा 25 फरवरी को, तब तक तो लगभग तकरीबन 2-3 जो है चरण के चुनाव भी यूपी में हो जाएंगे, इस हिसाब से उसको सेट किया गया। छात्र काफी ज्यादा आक्रोशित थे अपनी भर्ती को मांग को लेकर, वो लोग जो है अपने जो है लखनऊ की सड़कों पर धरना दे रहे थे, मांग कर रहे थे सिर्फ अपने हक के लिए, किसी और, ऐसा नहीं कि वहां पर कोई ये लोग अलग के कोई आंदोलनकारी आए हों, ये वही छात्र हैं जिनका मेन मतलब था कि मुझे वैकेंसी दी जाए। ऐसे में छात्रों पर लाठी चार्ज भी हुआ, आप देख सकते हो बहुत से छात्र जो है वहां पर बेहोश भी हुए हैं, आप यहां पर देख सकते हो, ये रजत सिंह है जो कि डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, काफी ज्यादा ये जो है मेहनती हैं और लगातार जो है शिक्षक भर्ती मांग को ये उठाते रहते हैं, इन पर लाठी चार्ज भी हुई, छात्र बेहोश भी हुए, बहुत से छात्र बेहोश हुए वहां पर, सिर्फ इन लोगों का यही गुनाह है कि इन लोगों ने डीएलएड बीएड किया, टेट सीटेट पास किया, और अब ये भर्ती मांग रहे हैं, और भर्ती इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि तकरीबन 3 साल हो गया, 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, कोई भी भर्ती नहीं आई है, और ऐसा भी नहीं है कि सरकार के पास भर्ती है नहीं, बहुत सारे पद खाली भी हैं जो लगातार जो है सरकार ने खुद ही बताया कि 51,112 पदों पर हमको जो है भर्ती करनी है, इन्होंने खुद हलफनामा दिया, छात्रों ने तो दिया नहीं कि हमारे यहाँ 51,000 पद खाली हैं, उन्होंने सरकार ने खुद इस चीज बात को कबूला था कि 51,000 पद है, अगर आप भर्ती बढ़ा के नहीं दे सकते हो, लोग ये कह रहे थे 22,000 पद ऐड हो जाएंगे, भले ही आप 22,000 पद नहीं ऐड कर रहे हो लेकिन 51,000 भर्ती तो आपके अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में खाली है ना, उसी भर्ती की तो मांग यहाँ पर छात्र कर रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हो इन छात्रों को जब मांग होती है तो कभी भी जब ये मांग हुई है तो आप लोगों ने देखा ही होगा
होगा, इन छात्रों पर लाठीचार्ज होती है। जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 22,000 वाले जो पद थे आरक्षण मामला, उस पर भी लाठीचार्ज हुआ। कुल मिलाकर एक ही ऑप्शन है कि छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया जाए और इनकी आवाज को जो है बैठा दिया जाए। ये चीजें जो है इस टाइम उत्तर प्रदेश में चल रही है। चलिए वहीं पर हम बात करते हैं अपनी अगली अपडेट पर, और अगली अपडेट जो है एसएससी सीजीएल को लेकर के है। आज से जो है एसएससी सीजीएल, जो भी छात्र एसएससी की तैयारी करते हैं, सीजीएल जिनका सपना होता है क्रैक करना, उन सभी के लिए अच्छी खबर यह है कि आज यानी 23 दिसंबर से आपका एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि जब तक जब से मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी जो है इसका पोर्टल ओपन नहीं किया गया है, लेकिन अभी देर रात तक या देर शाम तक जो है आप सभी लोगों का पोर्टल जो है ओपन कर दिया जाएगा, आज ही के डेट में ओपन हो जाएगा। तो जिन लोगों को भी एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना है वो सभी लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 रुपए फीस है, बाकी सभी के लिए जो है 0-0 है, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो। और इसका जो लास्ट डेट भी बताया गया और जो पेपर है वो आपका अप्रैल में हो जाएगा। तो आप सभी लोग जो है इसको फॉर्म को भर दीजिए। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर अगर नए हो आप लोग तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप सभी लोगों को भी बिल्कुल सही और ऑथेंटिक अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।